तो आज हम बनाएंगे जमजम पुलाव। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। मैं कोफ्ते बना रही हूँ, जमजम पुलाव में कोफ्ते डालने हैं। तो उसके लिए ये मैंने करीबन 200 ग्राम ऑफ कीमा लिया है, उसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ ग्रीन चिली का पेस्ट डाल रही हूँ, ये फ्रेश ग्रीन चिली का पेस्ट है, और उसके साथ ही हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और उसमें ये ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, ये जायफल है करीबन 1/4 टी स्पून, और ये लौंग का पाउडर ये भी 1/3 टी स्पून है, तो ये भी ऐड करेंगे। उसके साथ ही इसमें मैं अभी 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन डाल रही हूँ, रोस्टेड है ये। हम मिक्स करने के बाद थोड़ा और इसमें ऐड करेंगे, करीबन इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन पड़ेगा बाइंडिंग के लिए। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट। पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद में 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन जो बचा हुआ है वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। सो 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन मैं फिर से इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे मिक्स करके अच्छे से इसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। मिक्स हो गए हैं, अभी देख सकते हैं जो बॉल्स बना रही हूँ, छोटे छोटे बॉल्स आप बना लीजिए कुछ इस तरह से। इसी तरह से सारे बॉल्स आप बना लीजिए इसके। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो तेल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। मैंने आज स्लो नहीं की है, मैं फास्ट पे ही इसे कुक कर रही हूँ, बिकॉज़ ये कीमा है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो इसे आप फास्ट पे ही डीप फ्राई करके ब्राउन होने तक निकाल लीजिए।
जो है इसमें हमें पोटैटोज़ भी चाहिए, बट पोटैटोज़ मैंने ये 5 से 6 लिए हैं और कुछ इस तरह से मैंने इसे कट कर लिए हैं वेजीज़ में, आप देख सकते हैं। और इसको हम डिवाइड करेंगे दो में, दो बर्तन हम लेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। एक में हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पोटैटोज़ को कलर नहीं करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और ऐसे ही फ्राई करके डाल सकते हैं, बट एक में मैं ऑरेंज कलर डालूंगी और दूसरे वेसल में मैं ग्रीन कलर डालूंगी। और पोटैटोज़ को जो है डिवाइड कर दूंगी ऑरेंज में एंड ग्रीन में। उसके बाद जो है हमें इसे हाफ बॉईल करना है, हाफ बॉईल करने से पोटैटोज़ में कलर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, फिर हम उसे फ्राई करेंगे। पहले हम इसे हाफ बॉईल कर लेंगे, एकदम भी बॉईल नहीं करना है, हल्का सा इसे बॉईल करना है, आप देख सकते हैं मैंने बॉईल करने रख दिया है। उसके साथ ही हम जब से चावल उबाल लेते हैं हमारे पोटैटोज़ बॉईल हो रहे, तो ये पानी लिया है, उसमें ज़ीरा बादियान और तेज़पत्ता डाला है। पानी बॉईल होने के बाद में मैं राइस डाल दूंगी, नमक डाल के इसे बॉईल कर लूँगी। तो पानी बॉईल हो गए हैं, अब मैं ये राइस डाल के इसे हाफ बॉईल होने तक के कुक करूँगी। तो हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है और मेरे ऑरेंज कलर के जो पोटैटोज़ थे बॉईल हो चुके हैं, अब मैं उसे फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन और कुक होने तक हमें पोटैटोज़ को फ्राई करना है। तो हमारे पोटैटोज़ जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब मैं ग्रीन वाले पोटैटोज़ भी बॉईल हो गए, उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सिमिलरली जैसे हमने ऑरेंज पोटैटोज़ फ्राई की है वैसे।
तो ये देखिए हमारे पोटैटोज़ जो है फ्राई करके रेडी है, इसे साइड में रखेंगे। मैंने एक वेसल में यहाँ पे 4-5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी खड़े गरम मसाले, होल स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। ये तेज़पत्ता है, दालचीनी ली है, बादियान लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची एक ही ली है, और ब्लैक पेपर लिया है, और लौंग जो है मैंने 5 से 6 लिए हैं। इसमें हम डाल के इसे करीबन 5 से 6 मिनट हम सौते होने तक के, अरोमा आने तक के हम इसे कुक करेंगे। सो अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। करी लीव्स डालने के बाद में ये क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। करीबन ये जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने 1/2 kg ऑफ चिकन लिया है और इसे अच्छे से हम करीबन 6 से 7 मिनट कुक करेंगे, फास्ट पे ही भूनेंगे, अच्छा सा हम इसे भूनेंगे, चिकन को हम कुक करेंगे जैसा कि थोड़ा टेंडर ना हो जाए। सो देखिए हमारा जो चिकन है अच्छे से एकदम सौते हो रहा है, कुक हो गया है। अभी इसे और 5 से 6 मिनट इसे कुक करेंगे, फास्ट पे ही करेंगे, इसे स्लो नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा चिकन टेंडर होना चाहिए। अब जो है हमारा चिकन जो है वो अच्छे से थोड़ा कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट, करीबन ये 1/2 कप ऑफ योगर्ट है, मैं इसमें ऐड करूँगी योगर्ट। उसके साथ ही हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये कोरिएंडर पाउडर इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, करीबन 1.5 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर इसमें जाएगा। उसके साथ में ही हम इसमें डालेंगे क्यूमिन पाउडर, करीबन ये भी 1/2 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर हम। अब इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर जो है वो डालेंगे, करीबन ये भी 2 टेबलस्पून ऑफ डालेंगे हम सौंफ का पाउडर। और ये है कसूरी मेथी, मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर ली थी ताकि अच्छे से क्रश हो जाए। और करीबन ये भी मैं हैंडफुल ऑफ कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ इसमें रोस्ट करके। और ये ग्रीन चिली पेस्ट है, ये करीबन 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट है। आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और ये फ्राइड अनियंस है, डीप फ्राइड अनियंस है, ये करीबन मैंने 1 कप लिया है। और इसको क्रश करके हाथ से अच्छे से इसे डालेंगे इसमें। उसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे बॉयल वेजिटेबल्स, ये कैरेट है एंड पीस है, इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। नाउ विल गिव अ गुड स्टर। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। के साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी ताकि चिकन हमारा जो है अच्छे से कुक हो जाए। तो ये गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, अपने हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। मैंने इसमें 1 कप ऑफ हॉट वाटर लिया है। सो
सो जैसा कि हमारा चिकन जो है काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो फ्राइड पोटैटोज़ थे वो हम इसमें डालेंगे। आधे अभी डालने हैं और आधे हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे बचा करके। तो ग्रीन वाले भी डाल दीजिए, ऑरेंज वाले भी डाल दीजिए। स्टर करने के बाद आप इसमें अपना जो हाफ बॉइल्ड राइस है वो आप इसमें डाल दीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा जो हाफ बॉइल्ड राइस है वो ऐड करूंगी। अब जो है हम इसे अच्छे से हल्के हाथ से इसे एक अच्छा सा स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे। आपको एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले कहीं रह ना जाए। और अब जो है हमने आलू बचा कर रखे थे वो हम और उसके साथ ही मैंने एग और उसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्राइड अनियंस। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्राइड अनियंस स्प्रेड कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने केवड़ा लिया है, ये 2 टेबलस्पून ऑफ केवड़ा है और इसको अच्छे से हम स्प्रिंकल करेंगे ऊपर। अच्छे से सब जगह हमें स्प्रिंकल करना है, एक ही जगह ना करिएगा, ध्यान रखिएगा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है आपके पुलाव में। और अब इसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालेंगे। और मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है करीबन, ये भी 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सो अब हम इसे दम कुक करेंगे, करीबन इसे 1 घंटे के लिए हम दम कुक करेंगे। मैं तवा लूँगी, तवे के ऊपर मैं इसे धीमी आंच पे 1 घंटे के लिए दम कुक करने रख दूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। सो ये रहा, मैंने तवा रख दिया है और मैं इसे अभी दम कुक करूँगी करीबन 1 घंटे के लिए। तो अब 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पुलाव जो है कैसा है। तो ये काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट ही बना है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। सो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा। और मैंने इसमें सिर्फ ऐड किया था चिकन कोफ्ता एंड एग, और आप इसमें मटन पीसेस है और कलेजी है ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं। आप अपनी तरह से वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल किया था। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मैंने इसे सर्व किया है दही के रायते के साथ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।